हेलो फ्रेंड्स, अमित टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समर के एक बहुत ही सुंदर और हार्डी फ्लावर प्लांट जीनिया के बारे में। दोस्तों, ये समर के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन फ्लावर प्लांट हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटी गर्मियों के मौसम में आपको नर्सरी में देखने को मिलेगी। ये टॉल, मीडियम और ड्राफ्ट वैरायटी में आते हैं। अगर आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। दोस्तों, नर्सरी में इनकी प्राइस आपको 10 से 25 रुपए होती है। पौधे की साइज के अनुसार दोस्तों, इनको सीड के माध्यम से ग्रो किया जाता है। दोस्तों, जीनिया के प्लांट आपको नर्सरी में कई खूबसूरत रंगों में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जीनिया के फूल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके पॉट साइज की। दोस्तों, जीनिया के पौधे को आप 10 इंच के पॉट में लगाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके पॉटिंग मिक्स की। दोस्तों, जीनिया का पौधा समर फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इसकी पॉटिंग मिक्स में आप रिवर सैंड का प्रयोग ना करें। इसकी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप 60% मिट्टी और 40% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग करें। साथ में इसमें एक मुट्ठी नीम खली का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, नीम खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और साथ ही ये पौधों को फंगस से भी बचाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। दोस्तों, जीनिया का प्लांट सन लविंग प्लांट है, इसलिए आप इसको अपने गार्डन में ऐसी जगह प्लेस करें जहां इनको 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिले। दोपहर की सनलाइट से इसको बचाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। दोस्तों, जीनिया का पौधा अपनी मिट्टी में मॉइस्चर को पसंद करता है, इसलिए आप इसमें ऐसे वाटरिंग करें जिससे इसकी मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा बना रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर काऊ डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें और महीने में एक बार 1 चम्मच सी वीड ग्रेन्यूल्स और 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, मेरे पास जीनिया के 6 प्लांट हैं, जिनमें 5 में फ्लावर तो आ गए हैं, 1 प्लांट में अभी फ्लावर आने बाकी हैं। और ये मेरे 6 प्लांट अलग अलग कलर के हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पेस्ट और डिजीज़ की। दोस्तों, जीनिया के पौधे में एफिड्स और माइट्स का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हर 15 दिन के अंतराल पर किसी भी अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करें। आप एमिडा क्लोरोपीट और ओमाइट का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों का प्रयोग आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से करें। दोस्तों, अब बात करते हैं पिंचिंग की। दोस्तों, जीनिया के पौधे को बुशी बनाने के लिए इसकी पिंचिंग जरूर करें और साथ ही साथ स्पेंट फ्लावर की पिंचिंग भी जरूर करें। इससे हमारा पौधा बुशी होगा और उसमें ज़्यादा फ्लावर आएंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। दोस्तों, और साथ ही
मैं अपने गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।